गुड मॉर्निंग एवरीवन, द व्यू इज़ अमेजिंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 एंड बस अभी हम थोड़ी देर पहले उठे ही हैं। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट आया है। रूम बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आज का। थोड़ा लाइट रहने का मन था तो मसाला ऑमलेट मंगाया। बाकी यहाँ बैठ के हम ब्रेकफास्ट करते हैं। और बाकी आज का कुछ डिसाइडेड प्लान नहीं है, बट लोकल एंड नियर बाय साइट सीइंग एंड जो भी जगह है, नगर कासल एंड ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट एंड देन आपको तैयार होके मिलते हैं। सो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 1:06 टू बी एग्जैक्ट एंड ये दिखेगा नहीं, भी बहुत दूर है। तो ये सारा गैजेट है। टाइम इतना इसलिए लग गया क्योंकि 3 दिन का डेटा था, वो सारा का सारा कॉपी किया। बाकी एक घर चिप्स रखे हैं। बाकी अब चलते हैं आगे। सो अभी एक फिश फार्म है यहाँ मनाली में, तो वो देखने जा रहे हैं। सो पहले वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए एंड जो जो चीज़ें मिलती जाएंगी। ऐसा कोई प्लान नहीं चल रहे हैं आज, नॉर्मल इजी डे रखा हुआ है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। कल से जॉब है तो इसलिए आज थोड़ा रिलैक्स चल रहे हैं। तो ठीक है, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। अभी मेरी कार ऑलमोस्ट 23 की एवरेज दे रही है एंड दैट इज लिटिल बिट ऑब्वियस कि अभी मैं डाउन हिल पे हूँ, तो ये 22.9 आ गई है। अभी बहुत बेनिफिशियल लगता है यार कई बार जब ये कार इतनी एवरेज देती है, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल एवरेज है वो अराउंड सिटी में 11 से 12 है एंड हाईवे पे 14 से 15 आती है, तो उससे ज़्यादा आती नहीं है। एंड अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये पूरे डाउन हिल जा रहे हैं हम लोग, इसीलिए ये एवरेज थोड़ी अच्छी दे रही है। और भी वीडियोज़ के लिए जो आप कार रिलेटेड एज इन किया सोनेट रिलेटेड अगर आपको पता करना है, तो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने 2-3 रिव्यूज़ और किए हैं अपनी कार के एंड बाकी और भी वीडियोस आएंगी इन फ्यूचर। सो हाईवे है जहाँ से हम लोग आए हैं अभी सामने से एंड ये यहाँ पे है। यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, 3-4 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। मेरी कार यहाँ पार्क हुई है एंड ये कृष्णा एडवेंचर ऊपर लिखा हुआ है एंड ये है हिमालयन ट्राउट फिश फार्म। ये इसकी एंट्रेंस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑल्सो मैंशनड 10 AM एंड 7 PM। क्या बुरा लगेगा? फिश उठाई और बना दी मेरे सामने। आपके सामने नहीं बनाएंगे? मैं ये बोलूँ मुझे ये अच्छी लग रही है फिश, ये उठाओ ये बना दो। ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप, नॉर्मल उनको ऑर्डर दोगे, वो रेस्टोरेंट है, वो लेके आएंगे अपने हिसाब से। ऑर्डर देना अलग बात है, तैरती आप ऑर्डर ही दोगे? तैरती मछली को ये बोलेंगे देखो तैर रही है, मुझे ये खानी है, बना के दे। तो ये किसने कहा ये होगा नीचे? तो फिर आपने बोला मछली पसंद करो और बनवाओ, ले गए मेरे को दिखाई देगी ना, तो हम ये डालूंगा ब्लॉग पे, तो हम बोलेंगे ना कि तैरती भी है और हमें यही बना के दे दो ऐसे। ये देखो मेरी मैडम को ये लग रहा है कि वहाँ से सीधा सीधा बोलेंगे हम फिश उठाएंगे और सीधा डाल देंगे फ्राई पैन में और वो फ्राई वगैरह करके या जैसे भी रोस्ट करनी हो दे देंगे। ऐसा नहीं है, फिश फार्म है, पूरी फार्मिंग अलग से है, उसके अलावा वहाँ पर बाकी चीज़ें अलग से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर हमें नॉर्मल देना है, तो अपने पास पसंद तो नहीं करवाएंगे ना फिश? तैरती फिश थोड़ी पसंद करवाएंगे, नॉर्मल है।
this is the entrance. नो स्मोकिंग, गंद ना मचाएं, ये एक्चुअली बहुत मेन चीज़ है। और दूसरा ये कि यार पहाड़ों पे आते हो प्लीज़ कूड़ा वूड़ा सब अपने साथ लेके जाया करो। मेरी गाड़ी देखो आधी कूड़े से ही भरी हुई है, लेकिन मैंने सारा गाड़ी में ही डाला है, ऐसे बाहर नहीं फेंका बिल्कुल भी। यहाँ पे फिशेस भैया ये बकेट में से कुछ नीचे अंदर डाल रहे हैं, छोटी छोटी फिशेस हैं बहुत सारी, यहीं पे शायद इनकी पूरा फूड एंड ऑल इनका होता होगा। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती होंगी फिर इनको भेजा जाता होगा आगे। तो ये एक और पॉन्ड है, जस्ट ऊपर वाला जो भी दिखाया था जहाँ स्मॉल फिशेस थी उससे थोड़ा सा नीचे आके ये स्मॉल पॉन्ड है। अब यहाँ पे फिशेस बड़ी हैं, वहाँ पे छोटी थी। अब यही में भी इनकी पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह रहती होगी कि पहले एक जगह छोटी छोटी फिश को कुछ खाना खिलाया जाए एंड देन उसके बाद बड़े में स्टोर करते हैं, एंड वहाँ से वो भैया भी फिशेस निकाल रहे हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो। और भी वहाँ पे एक दो तीन चैनल टाइप की बनी हुई है एंड वहाँ से ये भैया जो है फिशेस डालते हैं। इफ़ यू सी दिस वन, अब यहाँ पे देखो यार यहाँ पे कितनी बड़ी फिशेस हैं। तो ये प्रॉपर आई थिंक इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है एंड यहाँ तो एक डक भी घूम रही है। काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे एंड इवन रेस्टोरेंट भी बना हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स करते हुए और ये गर्मी की आवाज़ के साथ खाना वगैरह भी खा सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो यहाँ जो अभी उस साइड से हम लोग आए हैं वहाँ पे ट्राउट फिश फार्म था एंड यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, तो इस साइड जा रहे हैं। तो यहाँ एक्टिविटीज़ तो हैं, अगर आप देख पा रहे होगे ये ब्रिज बनाया हुआ है एंड ये आर्चरी है, बाकी और भी हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स, लेकिन अभी फ़िलहाल और कोई ज़्यादा लोग नहीं है। और ये बुकिंग काउंटर इधर, देख के आए हैं हमने मच्छियों की हत्या होते हुए देखा है और गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं दे रही। अपने साइड से हमने ये किया कि हम खा के नहीं आए और हमने उनको बचाया है, जिसका मन था ऋषभ का उससे भी उसको बचाया, मैंने खाने नहीं दिए, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। और ये ऋषभ जी ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, पूरी पूरी दे रहे थे जब पता चला तो नहीं खाई ना। सारी बोनलेस नीचे आ गई जब पता चला पूरी फिश आ रही। पकोड़े में उम्मीद जताई थी कि पकोड़े खा लेंगे, लेकिन फिर उतनी भी नहीं हिम्मत हो गई है ना। पकोड़े उम्मीद थी कि ना खा लेंगे, फिर हमने क्यों नहीं खाए पकोड़े, स्मेल थोड़ी ज्यादा थी। स्मेल ज्यादा होने के कारण हमने फिशेस के पकोड़े भी नहीं खाए, तो अब वहाँ खाएंगे जहाँ स्मेल नहीं होगी। फिश नहीं खा रहे हो? नहीं खा रहे, हमने फिश को त्याग दिया। कुछ भी खाने का या फिश? फिश खाने का, अच्छा लग रही है, कुछ और खाएंगे। तो अब जा रहे हैं नगर कासल, थोड़ी हाइट पे है वो।
वहाँ देखते हैं, वहाँ पे भी वो कैसल काफ़ी पुराना है, उसके बारे में काफ़ी सुना है। गए भी हुए हैं लास्ट टाइम जब मैं आया था तब गया था, तो ठीक है अब चल के एक बार देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। हमने तिब्बतन जैसे हम धर्मशाला में नहीं खाई थी वो डिशेस, वो धर्मशाला टाइप का एक रेस्टोरेंट था। अच्छा, वो वैसे यहाँ पे भी एक चॉपस्टिक्स है ना, जिसको हमने आते हुए लास्ट या जब आ रहे थे उससे पहली रात डिनर किया था। हाँ, 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 हाँ। वहाँ गए थे, तो जस्ट कासल आने से जस्ट पहले पार्किंग है जहाँ पे मैंने आपको अभी फुटेज दिखाई, और उसके बाद थोड़ी हाइक हुई है। तो दिस इज़ दी कासल एंड आई थिंक इसकी कोई फीस भी है, सो पहले चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं। दिस इज दीज आर दी टिकट्स, सो दो टिकट्स दिए हैं इन्होंने, 30 रुपीज़ की एंट्री है। कुछ इस तरीके से इसकी एंट्रेंस बनी है, यहाँ पे कुछ इन्होंने मैप लगाया हुआ है जिससे आप फेमस जगह यहाँ के देख सकते हो जहाँ जहाँ पे वी कैन विजिट। नगर कासल को राजा सिद्ध सिंह ने कुल्लू में 1460 AD में बनवाया था, और 100 साल पहले इस बिल्डिंग को हैंडओवर कर दिया गया HPTDC को एज अ हेरिटेज होटल। अब HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे चलाती है और रन करती है कम्प्लीटली। बाकी इस होटल से आप जो नज़ारे देखते हैं वो कुल्लू वैली के पूरे नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारे और बहुत प्यारी हवाएं भी चलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक गैलरी भी है जो अगर आप आगे मेरी वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखेगी, जो एक रशियन आर्टिस्ट निकोलस रियोरिक के द्वारा बनवाई गई हैं और यहाँ पे लगी भी हैं। इसके अलावा होटल नगर कासल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि होटल अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको होटल फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसमें रेस्टोरेंट, ड्राइव इन, इंटरकॉम, केबल TV। ये यहाँ पे पुराने टाइप के सोफे एंड टेबल चेयर रखे हुए हैं। इस म्यूज़ियम में कुछ ज़्यादा नहीं है, ये पुराने स्टाइल का बना हुआ है, ये चिमनी वाले स्टाइल का, और यहाँ से बाहर निकलते ही सी द व्यू। वी हैव एंटर्ड द रेस्टोरेंट नाउ, इट्स द कासल नगर। सो ये मेन्यू अगर आपने देखना हो तो इनका पॉज करके देख लेना, मैं जूम इन भी कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। बाकी अगर मेन्यूज़ वगैरह की डिटेल्स एंड ऑल आपको बाकी सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो डू विजिट माई इंस्टाग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये मिक्स शिकंजी मंगवाई थी हमने, और ये मंगाया हमने चिकन पकौड़ा, नहीं क्या चिकन बास्केट कुछ ऐसे ही विद फ्रेंच फ्राइज। तो ठीक है, भूख थोड़ी बहुत लग गई थी, अब तक शाम के ऑलमोस्ट 4:20 हो गए हैं, और क्योंकि मेन कोर्स यहाँ 3-3:30 तक ही अवेलेबल रहता है,
एंड अभी सिर्फ स्नैक्स मिल रहे हैं 4 बजे के आसपास, आई थिंक 7 या 8 बजे के बाद दोबारा स्टार्ट होगा। तो ठीक है, आप लोग कुछ व्यूज़ इन्जॉय करो, हम अपना फूड इन्जॉय करते हैं फिर। बैक फ्रॉम नागर कासल, काफ़ी देर हमने यहाँ लगा दिया, बहुत टाइम स्पेंड किया। अब टाइम हो रहा है 4:42 एंड टाइम टू हेड बैक टूवर्ड्स मनाली, एंड आज थोड़ा ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करने का मन है, तो ठीक है लेट्स गो। सो नाउ वी हैव रीच्ड ओल्ड मनाली। सो यहाँ थोड़ा अलग पीस है, कुछ अलग सी फीलिंग आती है ओल्ड मनाली में आके। सो यहाँ का क्लब हाउस है जहाँ हम आए हैं। सो सामने रेस्टोरेंट भी है, बाहर एक टक शॉप टाइप की भी है जहाँ मोमोज वगैरह एंड और भी काफ़ी कुछ मिल रहा है, चाउमीन वगैरह। एंड ये जूस शॉप भी है यहाँ पे अवेलेबल। एंड यहाँ से एक रास्ता जा रहा है जो बोटिंग के लिए लिखा है, बट और आधी दुकानें बंद दिख रही हैं, आई थिंक दैट इज़ ड्यू टू कोविड। मैंने यहाँ पे अभी चिकन मोमोज लिए हैं, सो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वाटर एक्टिविटीज़ बेसिकली रिवर के ऊपर, जिप लाइनिंग, जंपिंग एंड ये वर्मा ब्रिज भी बना हुआ है। सो यू कैन सी पीपल आर एंजॉइंग चिलिंग एंड वी आर हैविंग मोमोज। तो ये जूस शॉप है यहाँ पे, ये HPTDC का क्लब हाउस। मेरी वाइफ ने कुछ देखा यहाँ पे हिमाचली फूड वगैरह कुछ, आई थिंक ऑथेंटिक टाइप का मिलता है। यहाँ लिखा हुआ है हिमाचल टूरिज्म ऑफर्स हिमाचली स्पेशल थाली। तो हम यहाँ हिमाचल क्लब हाउस रेस्टोरेंट में आ गए अभी फ़िलहाल। यहाँ पे ये क्लब हाउस है मनाली का। सो इंस्टेड ऑफ कैफेज में तो भी हमने आगे भी जाना ही है एंड पूरा ओल्ड मनाली में आपको दिखाऊंगा तो सही, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये थॉट कि एक बार थोड़ा ऑथेंटिक डिश कुछ लेनी चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए, तो वही हम कर रहे हैं अभी। ये इनका मेन्यू है, पॉज करके आप देख सकते हो वीडियो। एंड बाकी हिमाचली थाली मंगवाई है, तो लेट्स सी उसमें क्या क्या आता है, अभी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा मैं आपके साथ। हाउ वाज इट? तो काफ़ी बड़ा मेन्यू है, इट्स नॉट अ स्मॉल मेन्यू। एंड यहाँ पे आई थिंक ऊपर रहने के भी अरेंजमेंट्स हैं, इफ़ यू वांट टू स्टे ओवर हेयर यू कैन। थाली हमारे सामने है, तो दिस इज क्वाइट लुकिंग ऑसम। ये कोई वड़ा, वड़ी की सब्जी है या वड़ा है कोई, ये मदरा बोलते हैं यहाँ पे। ये राजमा है, ये कड़ी है, तो ये हिमाचली आई थिंक धाम बोलते हैं इसको, और ये दो चपाती भी, कि शादी ब्याह में भी इनका वही यूज़ होता है। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा चख के बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। सो वी आर हैविंग आवर फर्स्ट बाइट ऑफ दिस। मैं पहले वड़े के साथ खा के देख रहा हूँ कि कैसा है, कुछ डिफरेंट है, साग टाइप का टेस्ट आ रहा है, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है। नाउ आई एम ट्राइंग दिस, जिसे मदरा कहते हैं, उसका हमको पता है मीठा होता है, मीठा और टेस्टी भी है। बाकी राजमा एंड कड़ी तो लग तो रहा है कि ये दिस विल बी अमेजिंग। दिस इज नाइस टू, बहुत सिंपल है, तो आई थिंक ये इसीलिए यहाँ पे उन्होंने थाली रखी है ताकि बाहर के लोग आके ट्राई कर सकें कि कैसा उनका फूड है, कैसा उनका फ्लेवर है, टेस्ट है। कड़ी भी बहुत अच्छी है, सो सिंपल फूड अमेजिंग। और ये थोड़ा के टाइम पर हमारा वर्जन हुई तो थोड़ा सा मंगाना ज़रूरी था क्योंकि ऐसे टाइम ही लगा। तो ठीक है, ये ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं। Say
शॉप्स भी बंद दिख रही हैं, काफ़ी शॉप्स काफ़ी कैफेज इस बार बंद दिख रहे हैं। एंड आई थिंक ये वही रीज़न है कोविड। तो जो शॉप्स वगैरह बंद हैं वो मैंने अभी एक शॉप वाले भैया से पूछा कि क्यों बंद है और इज दी कोविड दी रीज़न, तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली बंद उस वजह से नहीं है कि कोविड वगैरह, बट बंद है क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, तो आज काफ़ी शॉप्स यहाँ पे बंद रखे हैं। तो आज हम अपना फूड जो है बिकॉज संडे है एंड वी जस्ट वांट टू चिल आउट फॉर सम मोर टाइम, एंड कल से फिर हमारी ऑफिस डायरीज टाइप की स्टार्ट है यहाँ कुछ दिन, तो वी जस्ट वांट कि थोड़ा सा वो इन्जॉय करें।